हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में। इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा लीक्स निकल के बाहर आ चुकी है और साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के बारे में एक फर्स्ट पोस्टर भी बाहर निकल के आ चुका है कंपनी से, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये देखने को मिल जाती है कि इस स्मार्टफोन में 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, 5G का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाने वाला है, जो मेन कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल का। तो अगर आपको भी जाना है इस स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा, तो इस वीडियो पर बने रहिए। उससे पहले अगर नहीं किया इस वीडियो को लाइक तो कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पोस्टर आप देख सकते हैं जो कंपनी से बाहर निकल के आ चुका है। तो आपको बैक साइड में ग्लास जैसी बॉडी देखने को मिल जाने वाली है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और आपको आगे की तरफ आपको एक इन्फिनिटी और डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो पूरा बात करेंगे इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में। तो फिर सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाने वाली है 6.5 इंच की फुल स्क्रीन एमोलेड पैनल देखने को मिल जाने वाला है और साथ ही साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाने वाला है। चलिए, इन सब बातों को साइड में रखते हुए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का कॉलकॉम का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है। 5G की कनेक्टिविटी इस स्मार्टफोन में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। बात कर ले इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है, वो भी स्नैपड्रैगन का देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो लिक्स के मुताबिक आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो मेन कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल का और साथ ही साथ आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप A71 जैसा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, कैमरा इस बार आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाने वाली है 4000mAh की बड़ी बैटरी और साथ ही साथ 25W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर। तो इस स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा 25W का, वो भी बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन की आपको इंडिया में प्राइस देखने को मिल जाएगी 25 to 35,000 के बीच में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरा मानना है कि ये स्मार्टफोन आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, बैटरी काफ़ी आपको बेहतर देखने को मिलने वाली है, कैमरा इस बार भी आपको इस स्मार्टफोन में काफ़ी बेहतर देखने को मिल ही जाने वाला है और लुक और डिज़ाइन में ये स्मार्टफोन तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। बात कर ले स्मार्टफोन के लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो लिक्स के मुताबिक ये स्मार्टफोन आपको मार्च के महीने में इंडिया में देखने को मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन आपको सबसे पहले चाइना में लॉन्च होगा, फिर जाके इंडिया में लॉन्च होगा। और ये स्मार्टफोन जब भी लॉन्च होगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा और हो सके इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर नहीं किया इस वीडियो को लाइक तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद कर लोगे तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में और ऐसे कोई अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।